नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में आज राज्य के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए कितने उत्साही हैं, इस बात का पता इसी से लगाया जा सकता है कि बूथों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पांचवें चरण का मतदान कई मायनों में खास है। आज जनता एक साथ कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेगी। इस चरण में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया, कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल, संजय सिंह, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सहित कई दिग्गज मैदान में हैं। आपको ये बता दें कि पांचवें चरण में 693 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 90 महिला प्रत्याशी हैं, जबकि 2.25 करोड़ मतदाता मताधिकारी का प्रयोग करेंगे। 2017 में बीजेपी ने 61 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा को 5, बसपा को 5, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में भी गई थी। आपको ये बताते चलें कि अयोध्या विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने के बाद यहाँ पहली बार चुनाव हो रहा है। ऐसे में बीजेपी को यहाँ से खासी उम्मीदें हैं। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी ने बाद में यहां से वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट दिया है। इससे विपक्ष ने योगी पर काफी हमले भी किए थे। इस सीट से सपा गठबंधन ने पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने रवि मौर्या और कांग्रेस ने रीता मौर्या पर भरोसा जताया है। आपको बताते चलें कि 2017 में वेद प्रकाश गुप्ता ने यहां से जीत दर्ज की थी। आपको ये भी बताते चलें कि कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके खिलाफ सपा ने कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन और अपना दल की नेता पल्लवी पटेल को उतारा है। वहीं बसपा ने मुनसब अली और कांग्रेस ने सीमा देवी को टिकट दिया है। 2017 में इस विधानसभा सीट पर बीजेपी की शीलता प्रसाद की जीत दर्ज की थी। अब देखना ये होगा कि लोगों की निगाहें भी हैं, राजा भैया जिस तरह से कह रहे हैं, क्या वाकई में उनका किस्मत चमक जाएगा। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।